हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गाजियाबाद पत्रकार हमले मामले में एक नया अपडेट आया है। कल बदमाशों के हमले में घायल हुए गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की आज मौत हो गई है। नमस्ते भारत में आज सुबह हमने आपको ये दुखद खबर बताई थी। विक्रम जोशी को कल उनके घर लौटते समय रास्ते में बदमाशों ने रोक कर गोली मारी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस अगर यही काम पहले कर लेती तो शायद इस पत्रकार की जान बच जाती। ये तस्वीरें हैं यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले विक्रम जोशी की। पेशे से पत्रकार विक्रम अब जीवित नहीं है। परसों विक्रम जब अपनी बेटियों के साथ घर लौट रहे थे तो रास्ते में बदमाशों ने उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया और बाद में उनके सिर पर गोली मार दी। उन्होंने गाड़ी को ढकेल दिया, फिर हम नीचे गिर गए, हमें साइड कर दिया और फिर पापा को मारने लगे। फिर पापा बेहोश हो गए, फिर बहुत सारा खून निकला। तो फिर ये चली गई बताने घर वालों को, यहाँ पे आ गई। फिर जब आए सब आए, फिर जब तक वो भाग गए थे मार कर। विक्रम की हत्या किसी रोड रेज में नहीं हुई, उनकी हत्या बदला लेने के लिए की गई। विक्रम की भांजी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि लड़के अक्सर उसके साथ छेड़खानी किया करते थे, कमेंट पास करते थे और पीछा करते थे। छेड़छाड़ का विक्रम विरोध करते थे। इस बात की शिकायत उन्होंने करीब एक साल पहले भी की थी। मुझे परेशान करते करते 1.5 साल हो गई है। हमने इनकी कंप्लेंट पहले भी की थी और अब भी की है 16 जुलाई को। और जब हम घर से निकलते पड़ते थे तो ये कमेंट करते थे और छेड़छाड़ करते थे, और अगर हम घर से बाहर जाते थे तो पीछा भी करते थे। आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी, कोई पहले कार्रवाई नहीं हुई थी? क्योंकि आपने बताया 3 दिन पहले की।